गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी केमिस्ट्री। इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 to 5। नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में क्लास, बाय हाउ मच इज 20 मीटर ग्रेटर देन 1898 सेंटीमीटर, गिव योर आंसर। 20 मीटर 1898 सेंटीमीटर से कितना ज़्यादा है, माइनस करके पता चलेगा, लेकिन एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है और आंसर आपको देना है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय में 1000, फिर डेसिमल लगा दो, 20 है, 1, 2, 2 से पहले डेसिमल। अब ये दोनों मीटर में है, ठीक है। अब इसमें तो डेसिमल है लेकिन इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल 0, 0 माइनस करना है, माइनस कर दो। यहाँ पे कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया, 8 गया 2, 1.02 मीटर इज योर आंसर। क्योंकि हमें मीटर में आंसर देना था इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन स्पेंड ऑन वाइट वॉश, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट लगाएंगे, ए पर्सन स्पेंड ऑन वाइट वॉश, घर में वाइट वॉश कराता है उस पर स्पेंड करता है, कितने स्पेंड करता है, ₹28389.96, ठीक है। अ पर्सन स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, वो घूमने जाता है तो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करता है वो, ट्रैवलिंग पे खर्च करता है वो 28389.96। फिर वो होटल अकोमोडेशन, जब आप घूमने जाते हो तो होटल में रहते हो, अ पर्सन स्पेंड ऑन होटल अकोमोडेशन, उसमें खर्च करता है ₹15280.71, ठीक है। लेफ्ट मनी विद हिम, अब उसके पास कितने पैसे बचे, लेफ्ट मनी विद हिम, इतना खर्चा करके अब उसके पास कितने पैसे बचे, ₹65800। अब उसके पास टोटल कितने मनी थी, ही हैड मनी इन द बिगनिंग, बिगनिंग यानी इतना खर्च करने से पहले, स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, अब कैसे पता चलेगा, इन सबको प्लस करके, प्लस करके दिखाएंगे नीचे, 59287.0, इन सबको प्लस करना है, 2833.96 15 280.71, और ये 65800, इसमें डेसिमल नहीं है तो 0.00, सारे रुपीज़ का साइन लगाएंगे, चारों को प्लस करेंगे, प्लस करके इन्होंने कितना खर्चा किया, 7861, ठीक है, 1,68,758.57 इसके पास स्टार्टिंग में था, बाकी इसने खर्च कर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन में एक आदमी की जो हाइट है, स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितनी थी, ए मैन डिपॉजिट करता है 2 चेक्स, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में कर लेना, देखो एक मैन 2 चेक्स है डिपॉजिट करता है बैंक में, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, उसने कितना डिपॉजिट किया, 3 लाइन की स्टेटमेंट लगाना, अमाउंट डिपॉजिट फर्स्ट चेक इन अकाउंट इक्वल रुपीज इतना, अमाउंट डिपॉजिटेड सेकंड चेक इन अकाउंट इक्वल रुपीज इतना, 3rd लाइन में लिखना टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में, एट द बिगनिंग ऑफ द समर यू वर 1.63 मीटर टोल, 9th में एट द बिगनिंग ऑफ समर, जब समर की छुट्टियां स्टार्ट हुई, योर हाइट, आपकी हाइट कितनी थी स्टार्टिंग में, 1.63 मीटर, यू ग्रू ड्यूरिंग समर, यानी समर में तुम्हारी हाइट बढ़ी, यू ग्रू ड्यूरिंग समर में तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ी, 5 सेंटीमीटर, अब ये तो सेंटीमीटर में है ये मीटर में है,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पाई में 100, 0.05 मीटर, दो जीरो हैं, एक जीरो डेसिमल जीरो, ठीक है। अब उसकी हाइट कितनी हो गई, हिज हाइट एट द एंड ऑफ समर, समर के लास्ट में कितनी हाइट हो गई, दोनों को प्लस कर दो, 1.63 मीटर, 0.05 मीटर, दोनों मीटर मीटर को प्लस या माइनस कर सकते हैं हम, ठीक है। 1.68 मीटर उसकी हाइट हो गई लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, राम गोपाल वर्मा है, उसने एप्पल खरीदी, कुछ एप्पल्स स्पॉल्ड यानी खराब निकले, एप्पल्स वर फाउंड स्पॉल्ड, एप्पल्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी खराब, खराब एप्पल कितने निकले, 2 किलोग्राम 455 ग्राम, ये तो निकले स्पॉइल्ड। एप्पल्स वर कंज्यूम्ड, कुछ एप्पल उसने यूज कर लिए, कंज्यूम्ड होता है यूज करना, कितने एप्पल उसने यूज किए, 19 किलोग्राम 500, ये उसने यूज कर लिए, तो टोटल कितने यूज हो चुके हैं, 21 किलोग्राम 950 ग्राम यूज्ड एप्पल्स। पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। राम गोपाल वर्मा ने एप्पल्स कितने परचेज किए, राम गोपाल वर्मा परचेज्ड एप्पल्स, अब माइनस करना है, राम गोपाल परचेज्ड एप्पल्स, कितने एप्पल्स उन्होंने परचेज्ड किए, 30 kg, ग्राम नहीं है तो ग्राम की जगह जीरो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं इसलिए मैंने 3 जीरो लगाई हैं। अब यूज्ड एप्पल्स, कितने एप्पल्स फोल हो गए थे, कुछ यूज कर लिए, प्लस करके क्या आया था, 21,955। लेफ्ट एप्पल्स, कितने एप्पल बचे, लेफ्ट के लिए तो हमेशा माइनस करते हैं, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, यानी उसके पास कितने एप्पल बचे, 8 किलोग्राम 45 ग्राम एप्पल्स उसके पास बचे। ओके, एक्सरसाइज 5.3 आपको कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।